ओहो, आ गए वाले कुत्तों की जिंदगी। तो आ ही गए हो। तो बताता हूँ आज अपन किसके बारे में बात करने वाले। तो आज अपन बात करने वाले फेक फेमिनिज्म की उस बीमारी के बारे में जिसने आज पूरी इंडिया या कह सको तो पूरे वर्ल्ड को घेर के रखा है। इसके चक्कर में कितने लॉन्डे सुसाइड तक कर लेते हैं। तो लेट्स रोल द इंट्रो। Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off. तो पहले अपन समझते हैं कि फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है। तो फेमिनिज्म का रियल मतलब होता है कि लड़कियों को भी लड़कों के बराबर राइट्स मिलने चाहिए, जो कि एक काफ़ी ऑब्वियस बात है और होना चाहिए, बिल्कुल हर कोई इससे एग्री करता है। और लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, इसको लड़कों के खिलाफ एक गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। सो कुछ दिन पहले एक केस आता है जिसका नाम है बॉयज लॉकर रूम। ये पूरे इंटरनेट की सेंसेशन बन चुकी थी, मतलब हर जगह की न्यूज़ थी। लेकिन लास्ट में जाके पता क्या चलता है, ये तो अपने एक दीदी की करामत थी। दीदी ने सोचा कि क्यों ना एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया जाए। अपनी गलती को छुपाने के लिए उन्होंने इस चीज़ को सोशल एक्सपेरिमेंट का नाम दिया। लेकिन अगर यही चीज़ कोई लड़का करता तो लोग उसको रेपिस्ट बना रहे थे, और यही चीज़ अगर लड़की ने की तो उसको एक सोशल एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया। और अपने इंस्टाग्राम के कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो बिना बात को सही जाने उस वीडियो के ऊपर उन्होंने, मतलब जो स्क्रीनशॉट आए उनके ऊपर उन्होंने वीडियोज ही बना डाली। क्यों? क्योंकि इन चीज़ की वजह से उनको मिलेगी लाइक और मिलेंगे फेमिनिस्ट का सपोर्ट। लेकिन उनमें ये भूल गए कि से कम वो पहले फैक्ट्स को तो जान ले, पहले कानून को तो फैसला करने दे। ना 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 ना, कानून तो है ही नहीं, हम ही है असली कानून, बाकी सब तो चूतिया बैठे हैं यहाँ पे। तो इनमें से एक भाईजान मेरे हाथ पे चढ़ जाते हैं। तो मैंने पहले इनकी वीडियोस में भी देखा करता था, पर इस वीडियो के बाद मैंने उनको अनफॉलो कर दिया। तो मैं सिर्फ आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ, उसको देखना। और हाँ, कोई भी इनके इंस्टाग्राम पे जाके गालियाँ वालियाँ मत देने लग जाना, इससे मेरी बेइज्जती होगी। मैं आपको ये बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता हूँ, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैं ये चाहता हूँ कि आप बस इन चीज़ों से दूर रहो। तो आओ देखते हैं इनकी क्लिप। टू द बॉयज लॉकर रूम ग्रुप। उम्र 16, 17, 18, 19। काम, लड़कियों के साथ रेप करने की तैयारी करना ग्रुप्स बना के इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट जैसे गंदी नाली के कीड़ों की। अरे भैया धीरे 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 भाई, की वजह से आज इस देश की हालत ये हो गई है कि कोई लड़की घर के बाहर क्या, घर के अंदर भी सेफ नहीं। तोने से खेलने की उम्र में लड़कियों के जिस्म से खेल रहे हो और खुद को मर्द बताते हो। तू है ऐसी मर्द जात पे। सो गाइस, मुझे इनसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ अगर इनसे गलती हो गई कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, इंसान है। तो इनको सिर्फ एक काम करना चाहिए था, अपने इंस्टाग्राम पे आप आके बोल देना चाहिए था कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई। लेकिन नहीं, इनको अगर ऐसा करने से इनको जो फेमिनिस्ट का सपोर्ट है वो चला जाएगा। तो ये क्या करते हैं कि कोई सफाई नहीं देते, ये सिर्फ सिंपली अपनी ये वीडियो डिलीट कर देते हैं और इनसे समझते हैं कि ये वीडियो तो किसी ने देखी नहीं होगी, बाकी सब तो लोग चूतिया है, यही होशियार है, बाकी सब तो पागल बैठे हैं। सो गाइस, गलती इन भैया की भी नहीं है, गलती आपकी भी है, क्योंकि आप क्या करते हो, इन चूतिया लोगों पे विश्वास कर लेते हो और उन लोगों को गाली देना स्टार्ट कर देते हो, और ये काफी गलत चीज है। आप बिना कुछ सोचे समझे उनको गालियां देते हो। इसी चक्कर में मानव नाम का एक लड़का सुसाइड तक कर लेता है। लेकिन अपने क्या, अपने को तो अगर अपने सामने कोई लड़की रो लेती है या किसी ज्ञानवर्धक चूतिए से अपन कुछ बातें सीख लेते हैं तो अपन क्या करेंगे, दूसरों को जाड़ेंगे और उस बंदे को जाके गालियां देंगे बिना कुछ सोचे समझे। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई अगर ऐसा करोगे तो किसी दिन आपका भी नंबर आ जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों से रहा करो। और ये हो गई थोड़ी सीरियस बातें, अब आते हैं अपनी नेहा मैडम की तरफ, तो बात करते हैं उनकी। मे बी द प्रॉब्लम लाइज विद यू, चेक योर सेल्फ फर्स्ट। अगर वो वहां जाके चीट कर रही है, मे बी शी वाज फीलिंग थ्रेटन्ड बाय यू। कुछ भी मे बी यू आर नॉट प्रोवाइडिंग फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, व्हाटएवर। चलो मान लेते हैं दीदी कि ये भैया उनको मेंटली या फिजिकली किसी भी रूप से अच्छा नहीं रख पाते हो, तो दूसरा बंदा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं। अरे दीदी यार थोड़ी तो शर्म करो। अगर यही मतलब यही थप्पड़ अगर कोई लड़की मारती है तो दीदी खुश हो जाती है, और यही थप्पड़ अगर कोई लड़का मारे तो दीदी ओहो इट्स हर चॉइस। तो मैं दीदी से इतना ही पूछना चाहता हूँ, दीदी मतलब आप तो इक्वलिटी की बात करते हो, फिर ये सब बातें कैसे है? मतलब होली गुआकामोली, बस शी नीडेड, डोंट से कि मैं सब करता था। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। नोबडी गिव्स यू द राइट टू स्लैप अ गर्ल। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी, इट्स हर चॉइस। कुछ फायदा नहीं है, देख अच्छा खासा घर पे रोटी चावल ये सब भाजी बीजी बना, बेंचो घर संभाल, ये सब चाले मत कर,
समझा, ये सब चालू मत कर। तो आओ यार थोड़ा और देखते हैं इनकी, थोड़ी और क्लिप्स देखते हैं। बाबा तुम इतना घूरता काहे को रे, ऐसा ऐसा करके आंखा बनाकर। तो दीदी का कहना है कि लोग उनको घूरते क्यों है। हालांकि सही बात है, दीदी का भी सही कहना है कि लोग उनको क्यों घूरते हैं। मैं मानता हूँ कि घूरना गलत चीज़ है, मतलब नहीं घूरना चाहिए, लेकिन एक बात आप भूल गए दीदी, आप भी लॉन्डो को बहुत ज़्यादा जल्दी जज कर लेते हो। नहीं नहीं पता चला, अरे यार आपकी दीदी की वीडियो दिखाता हूँ देखो। आई डोंट यू चेंज योर अंडरवेयर मोर ऑफन, लाइक जॉलेश से दुश्मनी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से दीदी कह रही है कि तुम साला अपने अंडरवियर क्यों नहीं चेंज करते हो। तो दीदी से सिर्फ इतना पूछना है, दीदी वो उसकी अंडरवियर, वो उसके साथ कुछ भी करे, 10 दिन पहने, 5 दिन पहने, कितने भी दिन पहने, वो उसके ऊपर है। एक तरफ आपकी दीदी कह रही है कि लोग उनको घूर रहे, और दूसरी तरफ आपकी दीदी, दूसरी दीदी जो है वो कह रही है कि आप अंडरवियर क्यों नहीं चेंज करते हो। दीदी वो है उसकी मर्जी। तो आओ यार इनकी कोई दूसरी दीदी है, उनकी भी वीडियो देख ही लेते हैं। Why am I a Dian, Chudel, bitch, whore, slut if I wear red lipstick? नहीं 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 नहीं, आपकी भी कोई गलती नहीं है। मुझे भी पहले यही लगा था कि कोई ज्यादा सीरियस टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है, पर आती है बात लिपस्टिक की। साला क्या दिन आ गए इस चीज के, मतलब यार दीदी आप लाल, हरी, पीली, नीली, जो भी कलर की लिपस्टिक होती है सब लगाओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपको कोई ऐसा कहता है तो उसको इग्नोर कर दिया करो, ना कि इसको आके आप यहाँ पर कहो। और ये कोई रोड पे चलता हुआ आदमी आपको नहीं कह देगा कि ये तूने लाल लिपस्टिक लगाई तो डायन लग रही है। ये कोई आपका अपना ही होगा जो आपको ये चीज कहेगा। और ये चीज लड़कों के साथ भी होती है, अगर वो कोई मतलब उठपटांग चीजें कर लेते हैं। हालांकि मैं मानता हूँ लिपस्टिक लगाना कोई उठपटांग चीज नहीं है, पर फिर भी ये चीज लड़कों को भी सहनी पड़ती है, तो इस बात पे ज्यादा ऑफेंड वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि ये चीज गलत है तो आप किसी गलत सर्कल में रह रही हो। हमारे सर्कल पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी भी कई सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं, उनके साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, तो मतलब आप किसी गलत जगह पे रह रही हो, तो सही जगह पे आ जाओ। तू इधर आना, थोड़ा इधर आना मेरा बच्चा, तू इधर। सो गाइस आज के लिए मैं इतना ही झेल सकता हूँ, मतलब इसके आगे मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ये देखिए। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहां से। सो गाइस चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और अमेजिंग वीडियो में।